है ठीक है, चलो शुरू करो। मुझे किसने मारा? हे डोरेमोन, चुप हो जाओ, अब ज्यादा शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना? जियान तो सबके साथ ऐसा ही करता है, वो कभी नहीं सुधरेगा। तुम में से किसी को चोट तो नहीं लगी ना? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आज जियान का मूड इतना खराब क्यों था? ये लो, जल्दी करो, जल्दी करो, भागो। अरे वाह, ये सब तो यहाँ खेल रहे हैं। हे लो बेटा, सुनो जरा, क्या मैं भी यहाँ खेल सकता हूँ? हाँ डोरेमोन, चलो अब हम दो टीम्स बनाकर आपस में मैच खेलते हैं नोबिता। हाँ ठीक है, सुनियो। रुक जाओ, तुम लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं? शोर मचाने की बजाय तुम्हें घर जाकर अपना होमवर्क करना चाहिए, समझते ही नहीं है? इससे क्या हुआ? जियान ने कहा हमें अपना होमवर्क करना चाहिए। मुझे तो लगता है इसकी तबीयत खराब है, है ना नोबिता? ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? इतने शोर में कोई काम कैसे कर सकता है? सुनो जेको, देखा शोर बंद हो गया, क्या तुम्हें कोई नया आइडिया आया? नहीं भैया। क्या भैया? मुझे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा, मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं हार मानती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? देखो तुम एक जीनियस हो, ये सच है जेको, और एक दिन तुम इस देश की सबसे बड़ी कार्टूनिस्ट बनोगी। नहीं, डेडलाइन नजदीक है और मैंने एक भी पेज ड्रॉ नहीं किया है, ये अच्छी बात नहीं है, अब मैं क्या करूँगी भैया? तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है? तुम बिल्कुल भी मत घबराना जेको। ये क्या करेंगे? मैं जाकर मोटियो से मिलता हूँ जो कॉमिक क्लब का एडिटर है, और मैं उससे जाकर कहूँगा डेडलाइन एक्सटेंड कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रुक जाइए भैया, देखिए भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जेको, हम सब ने मिलकर डेडलाइन डिसाइड की थी, अब मैं शिकायत नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता जेको? बस मुझसे बात मत कीजिए, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। समझ गया। क्या बात है? क्या हुआ? अगर हम शोर मचाएंगे तो जियान हमें डांटेगा। घबराओ मत, जियान हमें तभी डांटेगा जब वो यहाँ पर होगा। ए नोबिता। हाँ? सुनो जियान, अब हम शोर नहीं मचाएंगे। हाँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो जियान। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो जेको कॉमिक क्लब बुक में कंट्रीब्यूट कर रही है। ये कौन सा क्लब है? कॉमिक बुक्स के फैंस मिलकर अपनी खुद की एक बुक क्रिएट कर रहे हैं नोबिता। क्यों है ना? हाँ, सबको इंतजार है कि इस बार जेको क्या करेगी। उसकी कॉमिक्स काफी इंटरेस्टिंग होती है, क्यों है ना? हाँ। लेकिन पता नहीं जेको को क्या हो गया है, उसने अभी तक कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। कुछ भी नहीं, अब क्या होगा? उसके पास एक बहुत अच्छी स्टोरी का आइडिया है, ये एंशियंट इजिप्ट की एक ट्रेजिक लव स्टोरी है नोबिता। सच में? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है जियान। मेन कैरेक्टर एक किंग है जिसका आखिरी नाम रामेन या आमेन है। क्या, इजिप्ट का किंग रामेन? लेकिन रामेन तो चाइना से था ना? मैं समझ गया, जरूर ये किंग तूतनखामेन होगा जियान। हाँ ये वही है, किंग तूतनखामेन। कैरेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए उसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम अपनी टाइम मशीन की मदद से एंशिएंट इजिप्ट जा सकते हो और उसके लिए कुछ फोटोज खींचकर ला सकते हो?
कुछ फोटोज खींच लाएं। क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? तुम मुझे मना कर रहे हो? रुक जाओ, ये काम बहुत मुश्किल है जियान। हाँ सही कहा, मैं जानता हूँ तुम अपनी बहन से प्यार करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों को खेलने ना दो और उन पर पत्थर फेंको। तुम बहुत सेल्फिश हो गए हो। समझ गया, दरअसल मैं जैको को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए डोरेमोन। हाँ सही कहा। काम हो गया जियान। हाँ, थैंक यू। जैको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। देखो मेरे हाथ में इंची डिजिप की कितनी सारी फोटोज है। अरे जैको, बात क्या है, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? देखो। इस तरह शोर मत मचाइए, मैं एक नए आइडिया पर काम कर रही हूँ। भैया आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। एक नया आइडिया, और वो क्या है? मैं इजिप्शियन स्टोरी पर नहीं सोच पाई तो मैं अब मिडिल एजेस के यूरोप के बारे में सोच रही हूँ। क्या कहा, मिडिल एजेस? तो क्या अब तुम्हें इनकी जरूरत नहीं है? ओह, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। मुझे स्टोरी चाहिए किंग आर्थर और राउंड टेबल की नाइट्स की जैसी। किंग अर्थ और द राउंड नाइट, मैं समझ गया। डोरेमोन, नोबिता, ये लो मिडिल एजेस के यूरोप की फोटोज। बहुत अच्छे नोबिता। और हाँ, इन्हें नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल कहते हैं जियान। समझ गया, थैंक यू। राउंड टेबल। जैको, मुझे राउंड नाइट्स की फोटोज मिल गई हैं। अरे वो यहाँ तो नहीं है। आखिर जैको चली कहाँ गई? जैको तुम कहाँ हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? भैया अब मैंने एक नया आइडिया सोच लिया है। तुमने नाइट्स ऑफ राउंड अनियन का आइडिया छोड़ दिया? तो अब तुम्हें ये फोटोज नहीं चाहिए? तो अब तुम्हें कहाँ की फोटोज चाहिए, अमेरिका या चाइना? आप जाइए यहाँ से। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अकेला छोड़ दें। मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस जाइए यहाँ से। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं आराम से बैठकर ड्रॉ कर सकूं। मैं क्या करूं? लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था। समझा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक ऐसी जगह जहाँ तुम ना हो जियान। हाँ, मैं ये अच्छी तरह समझ सकता हूँ। जैको कैसा फील कर रही होगी? क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? अगर मैं ये सोच भी लूँ कि मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा, तो भी मैं बार बार उसके रूम में झांकता रहूँगा। डोरेमोन, क्या तुम दोनों किसी ऐसी जगह को जानते हो जहाँ मैं जैको को परेशान ना कर सकूँ? बोलो। मैं समझ गया, ये ठीक रहेगा। इस बटन को प्रेस करते ही ये एक आदमी के रहने लायक रूम बन जाएगा। इसमें बैठकर जैको अपना काम कर सकती है। रुको, क्या तुम दोनों जाकर जैको को ये बात समझा सकते हो? पर क्यों? अगर मैं गया तो वो कहेगी मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। प्लीज मान जाओ। ठीक है, चले डोरेमोन, हम अभी जाते हैं। ये हम पर छोड़ दो। तुम कितने अच्छे हो। देखो, इसका ढक्कन तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम्हारा काम पूरा नहीं हो जाता। जैको, सच में? इसके अंदर टाइम अलग स्पीड पर चलता है। इसमें बिताया गया एक पूरा दिन बाहर के सिर्फ एक घंटे के बराबर होता है। तो अगर मैं अंदर 3 दिन बिताऊंगी तो बाहर सिर्फ 3 घंटे ही बीतेंगे। हाँ सही कहा। ये तो कमाल का रूम है। ये 4th डायमेंशनल रूम है। अपनी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी। जैको, अगर तुम्हें भूख लगे तो रेफ्रिजरेटर से कुछ निकाल लेना। समझ गई। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या हुआ? वो खुश है, अब तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। समझ गया। कोई आवाज नहीं आ रही,
क्या वो ठीक है? जैको, बेस्ट ऑफ लक। जब तक काम पूरा नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। चलकर देखता हूँ कि जैको ने क्या ड्रॉ किया होगा। जैको, जैको। हाँ? हे जैको, मोटियो तुमसे मिलने आया है, क्या मैं उसे वापस भेज दूँ? हाँ? अरे ये तो खुला हुआ है। इसने काम पूरा कर लिया, लगता है आज ये बहुत थक गई है। तुम आराम से रेस्ट करो जैको, मैं ये जाकर मोटियो को दे दूंगा। क्या उसने पूरा कर लिया? जरा मुझे दिखाओ जियान। अगर फिर से इसने कुछ ऐसा वैसा कहा तो आज ये मुझसे नहीं बचेगा। बिग ब्रदर, ये तो एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है। एक ऐसा लड़का जिसे दूसरे लोग पसंद नहीं करते और जो अपनी छोटी बहन की मुसीबतें बढ़ाता रहता है। मुझे इस बहन के लिए बहुत दुख है, ऐसे भाई से तो कोई भी दूर रहना पसंद करेगा। जैको ने काम कर लिया होगा? पता नहीं। देखो यहाँ तो मोटियो भी है। तुमने सही कहा। उसने काम पूरा कर लिया। हे जियान। नोबिता डोरेमोन। अरे तुम रो क्यों रहे हो? ये एक कमाल की स्टोरी है, जैको ने कमाल कर दिया। क्या सच में? इस कहानी में एक लड़का है जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे हमेशा मुश्किल में डाल देता है। वो अपनी बहन के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करता है। वो कहती है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करती है। एक प्यारी छोटी बहन और किसी भी काम न आने वाला भाई। आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? जैको, मैं थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए प्लीज। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा जैको। मोंटेज बकेट। मैं घर आ गया। हेलो बेटा। हेलो अंकल। घर में कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं रुककर वेट कर लूं। मुझे लगता है मॉम जरूर शॉपिंग करने गई होंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ कि वो यहाँ नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बहुत जरूरी काम था। और उसने कहा था वो आप दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो कौन हो सकता है? मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसका नाम क्या था? पता नहीं मॉम। तुम्हें कम से कम नाम तो पूछना चाहिए था नोबिता। लेकिन वो देखने में कैसा लगता था? ये तो तुम बता ही सकते हो। हाँ? सोचने दो, वो देखने में कैसा लगता था? उसकी आँखें। हाँ, कैसी थी? हाँ, वो उसकी नाक कैसी थी? हाँ, नाक, उसकी नाक थी। नोबिता, कई तरह की नाक होती है, छोटी, बड़ी, लंबी, मोटी। जितना ज्यादा आप पूछेंगी उतना ही मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। पता नहीं उस आदमी को हमसे क्या जरूरी काम था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया डैड। हाँ? अरे तुम उठ गए नोबिता। तुमने कुछ ड्रॉ किया, दिखाओ मुझे। नहीं, तुम हंसोगे। मैं नहीं हंसूंगा, मुझे दिखाओ तो। सच में? ये लो। तुम हंस रहे हो डोरेमोन? मुझसे उसका स्केच नहीं बन रहा है डोरेमोन। मैं बहुत देर से उसका चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा। हाँ? मोंटेज बकेट। ये क्या है? हम इससे उस आदमी का चेहरा रिक्रिएट करेंगे। हाँ? क्या सच में ऐसा हो सकता है? इसमें चेहरे के अलग अलग हिस्से दिखेंगे नोबिता, उनकी मदद से तुम उसका चेहरा बना सकते हो। समझ गया। शुरुआत आँखों से करते हैं। उसकी आँखें ऐसी नहीं थी। मैं तुम्हें और आँखें दिखाता हूँ नोबिता।